उन्होंने कोई शुरुआत प्राप्त हुई, लेकिन केवल प्रवेश लाल यादव अभी तक बने हुए हैं क्रीज पर। बाकी दोनों बल्लेबाज अजॉय और उससे पहले मनोज तिवारी वापस डगआउट लौट चुके हैं। जी हाँ, जैसे आपने कहा, दोनों ने अच्छा स्टार्ट प्राप्त किया और जिस तरह मनोज तिवारी जा रहे थे लंबे लंबे शॉट मारते हुए, भोजपुरी डबंग्स को दुख हुआ होगा कि एक बेहतरीन रिटर्न कैच की वजह से उनको वापस डग आउट जाना पड़ा। और अजॉय भी वाकई में आउट थे और अच्छा किया कि हो सके तो हम आपको रिटर्न कैच वापस दिखाएंगे, या आज का सबसे बेहतरीन कैच था वो। अब भी मूवमेंट थोड़ी सी और थोड़ी ज्यादा ही लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि लाइन के आसपास जरूर थी गेंद। हाँ, गेंदबाजी में परिवर्तन एक बार फिर इस छोर से। नूपुर को अब गेंदबाजी करने के लिए लाए हैं कप्तान रितेश देशमुख। गेंदबाजी करते हुए इस समय पार्ले जी एंड से लगता है थोड़ा सा एक ऐसा पीरियड आ रहा है खेल का जहां पर कप्तान कोशिश ये कर रहे हैं कि सिंगल्स दें लेकिन बाउंड्रीज ना निकले। और आप बात कर रहे थे चारू एक बेहतरीन कैच की, ये था वो। देखिए तो, ओह, बाईं तरफ डाइव लगा कि क्या बढ़िया कैच लिया। और फॉलो थ्रू में हम सब जानते हैं कितना मुश्किल होता है अपनी आंख को गेंद पर रखने के लिए, और ये अजॉय शर्मा बिल्कुल अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। और वीर मराठी ने अच्छा किया कि रिव्यू करवाया और उसके बाद अजॉय शर्मा लेग बिफोर आउट दिए गए, तेजी से दो रन। प्रवेश यादव के रहने तक ऐसा लगता है कि काफी अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है भोजपुरी डबंस की टीम। अगर 10 ओवर में मान लीजिए 80 करीब हो गया और ज्यादा विकेट नहीं खोए भोजपुरी डबंग ने, तो 175 मान लीजिए बनाने की गुंजाइश हो सकती है। या लेकिन इनका बने रहना क्रीज पर बहुत जरूरी है प्रवेश लाल यादव का। वाइड करा दी जाएगी, टेक बेहतरीन था एक बार फिर मकरन देश पांडे का विकेट्स के पीछे। कैच एक जरूर उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन इस विकेट कीपिंग के एग्जांपल को देखिए, बेहतरीन आंख बिल्कुल बॉल पर रखते हुए दाहिनी तरफ उछल के उन्होंने बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग की। मूवमेंट फनोपुर, जी हां, उनको थोड़ा गेंद को ऑफ स्टंप के करीब पिच कराने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जाके थोड़ा प्रभाव और डाल पाएंगे अपनी गेंदबाजी से। पार्ले जी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार, अपना पहला ओवर डाल रहे हैं नूपुर इस मैच का। को मोबी फ्यूजन के बारे में भी याद दिला दें, आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से लाइव बातचीत कर सकते हैं। सिर्फ एमटीएस यूजर्स डायल करें 505-05। चतुराई भरा स्ट्रोक, लेकिन एक ही रन मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, और एक और बात यह भी है कि आप टिकट्स भी जीत सकते हैं सीसीएल मैचेस के और एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं, और ये ऑफर है एक्सक्लूसिव एमटीएस यूजर्स के लिए। आप डायल करें 52020। और अगर सीसीएल का स्कोर या और कुछ सीसीएल के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो सिर्फ एमटीएस यूजर्स के लिए आप डायल करें 52020। इस फील्ड पर दौड़ने की सोची जरूर, लेकिन लिया नहीं, और ओवर की समाप्ति होती हुई इसी के साथ 73-2।